वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है जिससे गुजरना इतना बड़ा गुनाह है। अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि वहाँ से गुजरना इतना बड़ा गुनाह है तो सारी ज़िंदगी वहाँ बैठ जाएगा, लेकिन उसके सामने से कभी नहीं गुजरेगा। याकूब अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताओ, याकूब अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताओ जो मिस्र का बादशाह था। वो कौन से नबी थे जो पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसको संदूक में डाल के दरिया में बहा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ शहजाद। मोहम्मद यूसुफ शहजाद। शहजाद भाई, वो कौन से नबी थे जो पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसको संदूक में डाल के दरिया में बहा दिया? आपने तो अचानक ही पता नहीं बोल दिया, थोड़ा सा मतलब ज़हन में नहीं है यार। पांच बड़े नबियों में उसका नाम भी है रसूलों ने। उसके भाई भी नबी थे। सत्तर हजार जादूगरों से मुकाबला भी हुआ था उसका। सत्तर हजार जादूगरों से मुकाबला भी हुआ था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वो नबी नहीं थे, वो फरिश्ते हैं। फिरौन के दौर में भी थे वो। याकूब अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताओ, याकूब अलैहिस्सलाम के उस बेटे का नाम बताओ जो मिस्र का बादशाह था। नबी भी थे, वो कौन से नबी थे जो कुएं में रहते, 40 दिन कुएं में गुजारे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी यूसुफ अलैहिस्सलाम, मिस्र के बादशाह भी यूसुफ अलैहिस्सलाम। एजाज भाई, अरुण भाई, वो कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह है जिससे गुजरना इतना बड़ा गुनाह है, अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि वहाँ से गुजरना इतना बड़ा गुनाह है तो सारी ज़िंदगी वहाँ बैठ जाएगा, लेकिन उसके सामने से कभी नहीं गुजरेगा। वो कौन सी जगह है, अगर किसको पता चल जाए कि इसके सामने गुजरने से इतना बड़ा गुनाह है तो वो सारी ज़िंदगी वहाँ बैठ जाएगा, लेकिन गुजरेगा नहीं वहाँ से। जगह है ना नमाज़ वाली के सामने, नमाज़ वाली के सामने, नमाज़ी के सामने गुजरना इतना बड़ा गुनाह है कि अगर हमें पता चल जाए तो हम कभी भी नहीं गुजरेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।